एवरीवन, जैसे आपको पता है स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, उसमें हमारा आज का टॉपिक है गुड हाइजीन बेसिक। ठीक है, जैसे मैम ने आपको बताया हाइजीन क्या होती है, एक हैबिट है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, किसे एक बीमारियों से बचने के लिए, और ज़्यादा वो किसके थ्रू होती है, क्लीनिंगनेस से। जब तक हम अपनी बॉडी को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने प्रिपेयरिंग फूड में, हर एक चीज में, जब तक हम हाइजीनेस नहीं लाएंगे तब तक हम हाइजीन नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, हमें अपने आप की केयर करनी है, हमें अपने आप पे अटेंशन देनी है, तभी हम हाइजीन चीज़ों को, तो हाइजीनली हम हाइजीनिक हो सकते हैं। पहला हमें क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं। आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हैंड वॉश करना। आपको मैंने बताया था, आई थिंक परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि किससे आपको 20 सेकंड्स के लिए हैंड वॉश करना है, सोप लगा के, किस किस पोजीशंस में, और मेनली खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। और अगर आप बाहर से आती हो, आउटसाइड से बाहर से आ रहे हो, आपको तब भी आके हैंड वॉश करने हैं। आपको बाथ रोज करना है, डेली आपको बाथ लेनी है, और आपको जो आपको हेयर वॉश करने हैं वो ट्वाइस अ वीक। आपको ये नहीं आपको वीक में के बाद हो, बट नहीं, आपको ट्वाइस अ वीक आपको अपने हेयर वॉश करने हैं। आपको ब्रश करना है ट्वाइस अ डे, आपको सुबह भी और इवनिंग में भी ब्रश करना है। आपको आपके नेल्स जो है वो फ्रिक्वेंटली कट करने हैं। नेल्स में क्या होता है, जर्म्स होते हैं, इतने गंदे वाले जर्म्स होते हैं कि वो छुपे रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हम उसे खाना भी खा रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, तो नेल्स कट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको जो आपके क्लोथ्स हैं, जो आपको रोज डालने हैं, वो प्रॉपर वॉश होने चाहिए, क्योंकि हमारे क्लोथ्स में भी जर्म्स, जो जर्म्स होते हैं वो छिपे रहते हैं। ठीक है, आपको कॉम करनी है, आपको जो जब भी आप अपने हेयर वॉश कर रहे हो, कॉम कर रहे हो, आपको जो कॉम है वो भी क्लीन ही यूज़ करनी है। ये नहीं है कि कॉम कहीं से भी निकाली और उसको आपने कर लिया, आपको प्रॉपरली उसको वॉश करना है, देन करना है। और उसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मार्केट से आ रहे हो, आपको अपने आप को हैंड तो वॉश करने हैं, बट आपके जो बैग है, फ़ोन है, उनको भी सैनिटाइज करो। ठीक है, सैनिटाइज करके ही आप उन चीज़ों को अंदर करो, क्योंकि हमारे साथ जर्म्स हैं, हमारे हाथ में जर्म्स हैं, हमारे कपड़ों में जर्म्स हैं, हमने उनको तो चेंज कर लिया, हैंड वॉश कर लिए, बट फ़ोन को, बैग को हमने सैनिटाइज नहीं किया। आप जो जिस चीज़ को कैरी कर रहे हो उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करो, देन रखो। खाना बना रहे हो उसमें आप चीज़ों को ध्यान दो, आप प्रॉपरली वेजिटेबल को वॉश करो फिर यूज़ करो। वैसे तो मैम ने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, मास्क पहनो, ये सब कुछ हमारी हाइजीन में आपको ये चीज़ें ज़्यादा मेंटेन ध्यान में रखनी है। आपको हैंड वॉश करना है, क्लीन अपने आप को क्लीन रखना है, ताकि आप जो जर्म्स से बचे रहो, कोई भी बीमारी आपके आस पास ना आए। थैंक यू।